व्यूअर्स, सेकंड डे इन लाहौर, जुम्मे का दिन है और जुम्मा नमाज पढ़नी है, लाहौर में आए हैं फिरोजपुर रोड गार्डन मार्ट। फिलहाल अब हम जा रहे हैं नाश्ता करने, पराठा वाले बता तो यहाँ के पराठे सुनने में बड़े मशहूर हैं। अब हम आए हुए थे लक्ष्मी चौक लाहौर में, तो यहाँ पर ना ये सारी मार्केट जो है ना वो गाड़ियों के ऑटो मॉडिफिकेशन की है, क्योंकि हमने गाड़ी में LCD लगवानी थी ये, तो अब हम गाड़ी में LCD इंस्टॉल करवा लिया है ताकि यह सफ़र का मज़ा और ज़्यादा आए, थोड़ा साउंड शाउंड भी होना चाहिए ना, मज़ा आता है, तो इसलिए हम यहाँ आए थे। क्योंकि आते हैं ना, और सबसे पहले की बात ये होता हूँ मैं आपको, जब हम आ रहे थे ना लाहौर, तो रस्ते में ना हमें इसकी ब्लूटूथ जो है ना ये पड़ा है इसका, ये वाली टेप जो इसके अंदर लग के आती है जानवर। अच्छा, तो ना इसमें ना हमें ब्लूटूथ जो है ना वो कनेक्ट करनी नहीं आती, बड़ी मुश्किल से चलो, लेकिन यूट्यूब जिंदाबाद, उसने हमें सिखाया, लेकिन अब हमने ये कर लिया, ये हमारे लिए ज़्यादा मज़ेदार है। सो गाइस, अब हम आ गए हैं वाघा बॉर्डर पे, आपको सामने दिखाता हूँ। सो अब हम वाघा बॉर्डर पे जा रहे हैं और हम आपको वहाँ के मनाज़र दिखाएंगे, एक तरफ इंडिया एक तरफ पाकिस्तान, मैं खुद लाइफ में फर्स्ट। तो गाइस आप ये देख सकते हो, ये सामने आपको झंडे नज़र आ रहे होंगे, खड़ा मैं और ज़ूम करता हूँ, ये वैसे ये अच्छे खासे दूर हैं यहाँ से, ये देखने में ऐसे लग रहा है कि करीब हैं, क्योंकि हम पीछे से चलते आ रहे हैं और अभी तक जो है ना हमें इतनी देर हो गई है कि हम पैदल चले गए हैं, लेकिन अभी भी वो काफ़ी दूर हैं। सो फाइनली गाइस, अब सामने ही है, अब हम पहुँच चुके हैं, ये देखो, और परेड भी शुरू होने वाली है, क्योंकि 4 बजे का टाइम मैंने कहा था, आपको दिखाते हैं। ये गाइस आप देख सकते हैं, गाइस पहुंच गए हैं, यहाँ पे बहुत शोर है, बहुत शोर है, क्योंकि साउंड चल रहे हैं बहुत ऊपर ऊपर, वो हमारे घर तैयार हो रहे हैं। और सामने इंडिया है, वो भी आपको दिखाते हैं, आवाम बहुत ज़्यादा आई है हमारे से भाई, हमारी आवाम इतनी नहीं है, बहुत कम, हमारी आवाम बहुत कम, बहुत कम है, जैसे उधर की आवाम जितनी उधर से मैंने उतनी इतनी कम है।
Pakistan.
इन्हां नूं ऐसी तलवार नाल ही वड्ढना ही। शुक्रिया।
फाइनली गाइज आपने देखा, उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आएगा परेड देखकर। हमें तो बहुत इंजॉय किया, गला भी थोड़ा थोड़ा बैठ गया मेरा तो ना, अल्लाह ख्याल करेगा। तो यार बहुत इंजॉय किया, बहुत लोग आए हुए थे लेकिन उनकी तरफ ज़्यादा लोग थे, इंडिया की आबादी भी तो हमसे ज़्यादा है ना, क्या कह सकते हैं। खैर हम जो है ना आज इंजॉय किया होगा मुझे लगता है आपने हमारे व्लॉग को। अभी आगे देखें, अब चलते हैं, भूख लग रही है, कुछ ना कुछ खाते हैं, ठीक है लेट्स गो। ये देख सकते हैं आप लोग जा रहे हैं वापस, इंजॉय कर करके वापस जा रहे हैं अब। या हम इस टाइम लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैं, ये सामने देखें वो उस तरफ के दरख्त आ देखो, वो इंडिया है। ये सारे तक जो नज़र आ रहे हैं ना आपको इंडिया के हैं, हराम खोर है। सो गाइस वाघा बॉर्डर से थक के आए थे, होटल में होटल लिया, फिर रेस्ट किया। अब थोड़ी देर अब फ्रेश होकर ना दोबारा अब हम आए हैं लिबर्टी मार्केट, तो कुछ खाने पीने का सीन करते हैं अब पार्किंग का कार्ड है, तो खाने पीने का कुछ सीन करते हैं अब, भूख लग रही है। तो यार अब हम इस टाइम लिबर्टी मार्केट के अंदर हैं, काफ़ी रश है यहाँ पर तो लोगों का, और बड़ा मज़ा आ रहा है, वैसे इंजॉय कर रहे हैं। मौसम बहुत अच्छा है भाई लाहौर का, मुल्तान में उल्टा ज़्यादा ठंड है लाहौर से, लाहौर में इतनी ठंड नहीं है। तो भाई फुल टाइम इंजॉय कर रहे हैं, लोग शॉपिंग कर रहे हैं, ये बैंक हैं, मॉल्स यार, वैसे बड़ी प्यारी जगह है ये भी, ऐसा लग रहा है मरी का माल रोड लग रहा है हमें, सही बताऊँ तो, क्योंकि माहौल उसी टाइप का चल रहा है यहाँ पर ना, तो खूब इंजॉय कर रहे हैं। मार्केट इस टाइम अब हम बैठ कर ऑर्डर करवा दिया है, सामने होटल है ये वाला, तो मुँह टिक्का उस पर हमने ऑर्डर कराया है खाने के लिए। अब देखा खाने का वेट कर रहे हैं, और टेस्ट भी आपको बताते हैं कैसा है। सर बड़ी बोतल लाए छोटी बोतल लाए? बड़ी। मज़ेदार, बहुत मज़े का टेस्ट है। मार्केट तो हम घूम रहे हैं लेकिन बॉस यहाँ पे ना हर चीज़ की कीमत बहुत है, तो मेरा कहने का मकसद ये था कि जिधर भी गए, क्योंकि अब हम मुल्तान के मार्केटों में भी जाते हैं, यहाँ भी हैं, तो ओवरऑल अगर देखा जाए ना यहाँ पे महंगाई काफ़ी ज़्यादा है वैसे, लेकिन यार इंजॉय फुल चल रहा है यहाँ पर ना। अब मौसम बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है। स्वीट पोटैटो ये वो चीज़ है जो मैं नहीं खाता होता बिल्कुल भी, ये पसंद नहीं है उसका जायका। ये अब यहाँ पे लगता है लिबर्टी एंड, और ये सामने जो मस्जिद है, कैमरे में आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ अगर, तो ये मस्जिद है यहाँ पे लगता है मार्केट ऐसे। अच्छा थोड़ा थोड़ा टच ना यहाँ पर कैंट वाला भी आ रहा है मुल्तान के ना, जिस तरह मुल्तान कैंट हमारा है ना, थोड़ा थोड़ा टच ये उस टाइप का भी आ रहा है। ना हम गुलबर्ग के अंदर मौजूद हैं, गुलबर्ग लिबर्टी मार्केट। बॉस यहाँ पर ना सिर्फ सिर्फ कैफे ही कैफे हैं, जिधर देखो कैफे, टिम हॉर्टन्स, हर चीज़ इधर है। सो गाइस आज के ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।